नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। देखिए, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, इसके ही रिगार्डिंग में आप सभी के सामने आया हूँ बात करने। देखिए, ये क्या भास्कर ब्रेकिंग में, रेलवे टेक्नीशियन ने खोली बहाली की दुकान, रेलवे में भर्ती घोटाला, कई अफसर शक के घेरे में, सीबीआई में केस। ठीक है, झारखंड बिहार के दर्जनों युवाओं को पैसे लेकर थमाया गया, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर। इन सभी से आप सभी को सावधान रहना है। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा है हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, केस दर्ज होने के बाद टेक्नीशियन शशि भूषण जो है ये फरार हो चुका है। 2019 से 21 तक के चला ठगी का खेल, शिकायत मिलने पर विजिलेंस जाँच शुरू हुई और सीबीआई को गत वर्ष मई में केस रेफर हुआ। सीबीआई इंस्पेक्टर ने 28 दिसंबर को भेजी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट और 31 जनवरी 2022 को पटना सीबीआई में एफआईआर दर्ज किया। देखिए, इसमें क्या लिखा गया है कि धनबाद रेलवे मंडल में भर्ती घोटाला सामने आया है। कोडरमा के पास स्थित टनकुप्पा में टेक्नीशियन के पद पर तैनात शशि भूषण कुमार ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तर्ज पर बहाली की दुकान खोल रखी है। जिस तरीके से उसका घर का रिक्रूटमेंट हो, उस तरीके से उसने दुकान को खोल रखा था। उसने अभ्यर्थियों को फंसाकर आवेदन मंगाए, 6 से 9 लाख रुपए लेकर हाजीपुर के सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर के नाम से जारी पोर्टल को का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। इसमें वेतन 5200 से लेके 20200 और ग्रेड पे 1800 लेवल 1 निर्धारित किया गया है, जबकि अभ्यर्थी पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद, बरौनी, सोनपुर, हाजीपुर और बेगूसराय स्टेशन पर ज्वाइनिंग करने पहुंचे तो फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। देखिए क्या कर दिया है, वो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है। जब ज्वाइन किसी को भी, मान लीजिए किसी को भी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो वो खुशी से फूला नहीं समाएगा और ज्वाइनिंग करने के लिए जहां भी उसका ज्वाइनिंग का डेट दिया रहेगा कि आपको इस जगह पे ज्वाइनिंग करना है तो वहां पे वो ज्वाइनिंग करने जाएगा। जब अभ्यर्थी की शिकायत पर हाजीपुर मंडल की रेलवे विजिलेंस ने जाँच की तो एक बड़े रैकेट और अधिकारियों की संलिप्तता की जानकारी मिली। डिप्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर संतोष कुमार ने सीबीआई को पत्र भेजकर विस्तृत जांच का आग्रह किया। इसके बाद 31 जनवरी को पटना सीबीआई ने शशि भूषण समेत अन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का और जांच शुरू कर दी। सीबीआई इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने भी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भर्ती सिंडिकेट में कई अधिकारियों को शामिल होने को जताया। यानी इसके अंदर भी आप देख सकते हैं इस फिगर में कि अभ्यर्थियों से कर्ज लेने का कागज बनाता था आरोपी। ठीक है, और टेक्नीशियन ने नगद पैसे देने वाले को लिख कर दिया कर्ज ले रहा हूँ। क्या लिख कर दिया कि कर्ज ले रहा हूँ। पहले सीबीआई इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने प्रारंभिक जांच की तो जिसमें पता चला कि आरोपी टेक्नीशियन ने अभ्यर्थियों से कई किस्तों में पैसे लिए हैं और धनबाद रेलवे अस्पताल में मेडिकल जाँच भी कराई। उसने 3 अभ्यर्थियों से 9.2 लाख अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाया है, अन्य से 36 लाख कैश लिए हैं। बहुत बड़ा ये समझिए कि फ्रॉड आदमी है, जिनको लेकर दिया पैसे के कर्ज ले रहा हूँ, कर्ज न चुनाने पर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूँ, ये सब भी बोला है कि कर्ज ले रहा हूँ। ठगी के शिकार बने 12 अभ्यर्थी सीबीआई पटना ऑफिस पहुँचे और शशि भूषण को 45.60 लाख रुपये देने के सबूत सौंपे। इसमें धनबाद के साउथ बलिहारी कुसुंडा में रहने वाले 2 सगे भाई अप्पू कुमार और जोगेंद्र कुमार भी शामिल थे। इन अभ्यर्थियों ने पैसे देने के सबूत के साथ ही कुछ वीडियो भी एजेंसी को दिए हैं। इसमें आरोपी यह कहते हुए दिख रहा है कि बड़े रेलवे अधिकारी क्या है इनके साथ है। देखिए, जब तक तो कोई बड़ा अधिकारी इसके साथ ऐसा नहीं रहेगा तो ऐसा काम होगा भी नहीं, ये मान सकते हैं, ऐसा हो सकता है। यानी ये किसी के आर में पैसा लेता होगा और आगे वाले को भी, यही सिस्टम ही है। आरोपी की पत्नी बोली पैसे मांगे तो रेप का केस दे दूँगी। ये देखिए, जो आरोपी है उसकी पत्नी बोल रही है कि अगर पैसा मांगेगा तो रेप के केस में फंसा दूंगी। तो इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट में लिखा है कि 12 अभ्यर्थियों से ठगी से जुड़े साक्ष्य लिए, आरोपी के खिलाफ भी कई सबूत मिले हैं। अभ्यर्थियों ने कुछ ऐसे ऑडियो वीडियो भी दिए हैं जिससे स्पष्ट हुआ है कि पैसे वापस मांगने पर उन्हें फंसाने की धमकी दी गई है। और एक वीडियो में रेलकर्मी की पत्नी ने अभ्यर्थी से कह रही है कि पैसे मांगे तो रेप के केस में फंसा दूंगी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, ऐसे जालसाजियों से दूर रहिए। रेलवे में कोई भी रिक्रूटमेंट पूरा सिस्टम से होता है, उसका एग्ज़ाम होता है, मेडिकल होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, इसके बाद ही जॉब लगता है। तो आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अपडेट लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।